अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खिजर वाले सारे बच्चे भी सारे आकर बैठे हुए हैं। तो आज घर से सब्जी नहीं काट के लाए थे, तो आज मैंने इस तरह किया कि ये जो मशीन है ना, इससे आज मैंने सब्जी काटी है। ये चेक करें जी, ये साग वगैरह काटते हैं और इस तरह की चीज़ें काटते हैं इससे। तो आज मैंने इससे सब्जी काटी है बारीक बारीक, तो और बाकी चीज़ों को सब्जी वगैरह डालते हैं। तो हमारे बिल्ला जो है वो खाने लग गया है, उसको लाकर पहले दे दिया था, वो आराम सुकून से लगा पड़ा है खाने में। तो बाकी चीज़ें सारी यहाँ पर घूम रही हैं, तो चेक करें। जाएँ जाएँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ रही हैं कि शायद मैंने इन हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है। तो जल्दी जल्दी सबको बंद करते हैं, सब्जी वगैरह देते हैं और चीज़ें करते हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले परिंदे तो बंद करते हैं यार। सारी चीज़ें यहाँ पर घूम रही हैं और टोकरी में सब्जी पड़ी हुई है। तो जल्दी जल्दी मैं पहले बाजरा फेंकता हूँ और थोड़ा सा केक रस इसमें मिक्स किया है, कल थोड़े से बच गए थे वो मैंने आज मिक्स कर लिए हैं। तो सबको देते हैं बाजरा सब्जी वगैरह और खरगोश। चेक करें, सारी फैमिली लगी पड़ी है खाने में और मोर आराम सुकून से बैठा हुआ है, तो कोई रिलैक्स होकर बैठा हुआ है हमारा मोर भी। और सारी चीज़ें चेक करें, ये हमारी सबसे बड़ी भूखड़ ये डक्स और ये टर्की बर्ड है, जो हर टाइम भूखे पीछे भागे भागे रहते हैं कि अभी दो अभी दो। इधर चेक करें जी, हमने डक्स और मोर चकोरे सबको जो है वो सब्जी वगैरह डाल दी है। तो इस साइड पर चेक करें जी, ये देखिए अब भागे आएंगे सारे मेरे पास। तो खरगोश जो है वो अब कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें भी दिया जाए। तो जल्दी जल्दी खरगोशों को भी देते हैं और टर्की बर्ड आराम सुकून से खा रहे हैं। तो खरगोशों की टोकरी यहाँ पर पड़ी हुई है जिसमें सब्जी है, तो इसको भी जल्दी जल्दी डालते हैं। टाइगर चेक करें, माशाल्लाह खा पी कर अब जो है रिलैक्स हुआ पड़ा है, कुछ खाना इसका पड़ा भी हुआ है, तो इसकी हो चुकी है अब बस। तो टाइगर को थोड़ा सा दूध भी ला कर देंगे। और चेक करें, माशाल्लाह लड़के खड़े हुए हैं सारे के सारे। तो ये वाला जो लड़का है ना, ये बहुत शैतान लड़का है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें तंग करते हैं आकर, बट क्या करें, अजाब भी झेलना पड़ता है। तो बाकी चीज़ें चेक करें, माशाल्लाह खरगोश भी हमारे काफ़ी हैप्पी हैं। और इस साइड पर चेक करें, यहाँ पर कॉकटेल भी हमारे आराम सुकून से बैठे हुए हैं और डब दोनों ने दो अंडे दे दिए और माशाल्लाह वो बैठी हुई है अंडों पर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द बच्चे आ जाएंगे। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन भी माशाल्लाह काफ़ी खुश है और बाकी चीज़ें भी काफ़ी खुश हैं। और इधर टर्की भी लगे पड़े हैं, सारी चीज़ें भी पड़ी हैं। खिजर दो दिन हो गए यार, तो उसको बिल्ले को जो है दूध नहीं डाला, जल्दी जल्दी जा थोड़ा सा दूध लेके आ, बिल्ले को थोड़ा सा दूध डालते हैं। जब तक इधर दूध लेके आता है मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ और इनको करता हूँ बंद। तो इनका भी काम हो चुका है, सब चीज़ों का हो गया, बस बिल्ला रह गया बंद करने वाला। तो जल्दी जल्दी ईंट लगाते हैं इसके सामने और इनको भी करते हैं आराम से बंद। बिल्ले को भी दूध रख दिया तो बिल्ला भी दूध पी लेगा आराम सुकून से। और टाइगर माशाल्लाह काफ़ी हैप्पी और सारी चीज़ों को रख दिया है, अब आराम सुकून से सारा कुछ खा रहे हैं। फिंचेस डब भी नीचे आ गई हैं खाने के लिए और आराम सुकून से खा रही हैं। और जो डब अंडों पर बैठी थी वो भी डंडे पर आकर बैठ गई है। तो सारी चीज़ें काफ़ी माशाल्लाह हैप्पी है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारा छोटा सा चैनल छोटे जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।